बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं पहले दिन, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बुकिंग कहते हैं। बुकिंग के बाद जब आपकी प्रॉपर्टी फ़ायदे में या नुकसान में चली जाए तो आप उसको बेचते हैं। जब फ़ायदा होता है तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, नुकसान होता है तो उसको लॉस कहते हैं। और जब आप उसको बेचते हैं तो उसको फिर जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसफ़र। सो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जिस तरह ब्लॉक ए में लोगों को प्लॉट बैलेट हुए हैं, अब वो जब अगर मिसाल प्लॉट बेचेंगे तो उनको ट्रांसफ़र फाइल ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। मिसाल मेरे इस्माइल के नाम था ब्लॉक ए का प्लॉट, और इस्माइल दे ना कौन सी ब्लॉक ए का प्लॉट, वैसे ही तुम कहना जी इस्माइल दे जनाब सारे ब्लॉक एज प्लॉट आ गए, मेरा कोई नहीं ब्लॉक एज निकलें, मर्जी ए बैलेटिंग किच निकल दें। अच्छा, लोग बहुत सारे एतराज़ कर रहे थे बैलेटिंग की दो नंबरी हुई हुई, सारी जाती फैला नहीं निकली है बैलेटिंग, ये कंप्यूटर मारता है बैलेट। अच्छा चलो, वो बात आगे पीछे जा रही है, वापस आ जाएं। ये जो सेलर, जो जब सेलर अपनी फाइल बेचता है तो वो सेकंड पार्टी के नाम मुंतकिल होती है, जिसको ट्रांसफर कहते हैं। अब उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, वैसे भी आपकी ब्लॉक में ए में नहीं भी निकली और आप फाइल बेचना चाह रहे हैं और आप फाइल बेचेंगे, तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए ताकि कोई आपको जनाब को हेरा फेरी ना कर दे, फिर तुम जनाब परेशान हो। सो इस ऐसे ऐप मेरी वीडियो जरूर तको। आप न्यू मेट्रो के अंदर प्लाट बेचने जा रहे हैं तो उसका एक सिंपल तरीका कार है, उसको कहते हैं ट्रांसफर पॉलिसी। वो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं अच्छे उर्दू में, इजी अल्फाज में, कि जो पहली सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि रेजिडेंशियल जो प्लाट है वो ट्रांसफर अभी जो है 23 अगस्त से इसकी ट्रांसफर खुल जाएगी, अभी तक ट्रांसफर नहीं खुली। अच्छा, सबसे पहले आपने एनडीसी अप्लाई करना है। एनडीसी एक किस्म का एनओसी होता है कि जी इस पर कोई फाइल एक नंबर को रोला लफड़ा नहीं, ठीक है। एनडीसी अप्लाई करने के 3 दिन के बाद ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू किया जाता है, और कंपनी ट्रांसफर के प्रोसेस को मुकम्मल करने का वक्त तयन मौजूदा मौसूल दरखास्तों के मुताबिक करेंगे। मैंने आपने एनडीसी अप्लाई की, एनडीसी अप्लाई करने के बाद 3 दिन बाद एनडीसी आ दिया, अब फिर सोसाइटी आपको टोकन दे रही है कि यार आप 2 दिन बाद आकर ट्रांसफर कर दो या 3 दिन बाद, रश को देखते हुए, ठीक है। एनडीसी आपके आपके भी हाथ के ऊपर आपका डीलर भी जमा करा सकता है, ठीक है। अच्छा, एनडीसी अप्लाई करते वक्त तमाम डॉक्यूमेंट की कापियां आपने ऑफिस में जमा करानी है, जो आपके साथ प्रोसेसिंग फीस थी उसकी फाइल की तस्वीर, ठीक है, फोटोकॉपी। छोटी बड़ी पार्ट, फाइल फरोख करने वाला अपने नाम से प्रॉपर स्टाम्प के ऊपर, 100 रुपए वाले स्टाम्प के ऊपर एफिडेविट फ्राम करेगा, जिसमें वो फॉर्मेट बना होगा, वो फॉर्मेट आपने स्टाम्प देखे जी मैं फाइल वेच है, मैंने कोई लफड़ा कोई टेंशन नहीं, मैं अपनी फाइल अपनी मर्जी ना वेचना है, ठीक हो गया, एन जी को गलना शलना इसे चौसन। अच्छा, पांचवा जो है वो ये कि ट्रांसफर के वक्त बुकिंग फॉर्म का कस्टमर कापी बमा करेंसी नोट मौजूदा, यानी कि ओरिजिनल जो फाइल है आपकी न्यू मेट्रो की, वो दफ्तर लाना लाजमी, जिसे ते करेंसी नोट होता है 20 रुपए वाला नोट हो सी, जे रेजिडेंशियल हुई, जे कमर्शियल होया तो 100 रुपए वाला नोट उससे लग गया हो सी, ठीक है। फाइल फरोख करने वाले और खरीदार को अपने असल शिनाख्ती कार्ड साथ लाना जरूरी है, ठीक है जी। खरीदार को शिनाख्ती कार्ड की कापियां, जो परचेजर है वो, और 2 पासपोर्ट की तस्वीरें और नामिनी के शनाख्ती कार्ड की कापी फराम करना जरूरी होती है। फाइल ट्रांसफर के वक्त ड्यू अमाउंट मुकम्मल करना लाजमी होती है। मिसाल के तौर पे एक केस ड्यू थी, वो केस था आपने वो दे देंगे तो फाइल ट्रांसफर होगी। अगर एक आपने फाइल खरीदी हुई और आप बेचना चाह रहे हैं तो उसमें वाजिब अदा, यानी कि अगर ड्यू केस था, मिसाल 15 अगस्त को एक केस ड्यू थी, तो वो आपने जमा करनी है तो फिर आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अक्सर सोसाइटी इसमें रिलैक्सेशन भी दे देती है, वो बाद में आपके सामने बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आएंगी रिलैक्सेशन वाली बातें। फिर दूसरी बात है कि न्यू मेट्रो गुजर खान की जानिब से ए ब्लॉक की पहली ट्रांसफर मुकर्रर वक्त तक बगैर ट्रांसफर चार्जेस के प्रोसेस किया जाएगा। एक मुकर्रर वक्त तक अभी, यानी कि फिलहाल अभी तक बगैर ट्रांसफर फीस के पहली ट्रांसफर हो रही है। जाहिर बात है बाद में फिर इसकी ट्रांसफर फीसें आ जाएंगी, जो भी इनकी ट्रांसफर फीस होगी वो आपको देनी पड़ेंगी। सो ये था एक ट्रांसफर पॉलिसी जिसके तहत आप अपनी फाइल सेल या परचेज कर सकते हैं, रीसेल वाली फाइल, बुकिंग वाली रीसेल वाली फाइल। मजीद प्रॉपर्टी नामा टीम के पास इस टाइम अभी भी हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद है, खासतौर पर 2.5 मरला और 5 मरला कमर्शियल की डील मौजूद है। इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारी हमारे दफातर हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी नामा से जो जो बंदा प्लॉट ले रहा है उसको इंशाल्लाह ये जो सेल है ये कोई टेंशन नहीं होगी, हम सारी सर्विसेज आपको ये सारी इसी तरह करके देंगे, ठीक हो गया। आप इसकी जो फीस है वो आप देंगे और इंशाल्लाह आपको जलील और ख्वार होने से बचाएंगे, और सारा काम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम काम आपका खुद करें, सिर्फ आप आके ठक करके पता लगाएं और आप घर चले जाएं और आपकी फाइल बेच जाएं, इंशाल्लाह एंड तक आपको ऐसी सर्विसेज देंगे। इसलिए आप अच्छे सर्विसेज और अच्छे लोग का इंतखाब करें ताकि आपको बेस्ट चीज़ें मिलें और बेस्ट आपको जो है ना सर्विसेज मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए आने वाले लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ देखें ताकि उनको समझ आए बहुत सारी चीज़ों के। जो पुराने हज़रात हैं वो लाइक और अंगूठे का बटन दबाएँ। इस तरह फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, उधर मुझे देखते रहें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।